गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्टिकल 96 देखते हैं क्या है। आर्टिकल 96 क्या बोला गया है इसमें, और थ्योरी देखेंगे, उसके बाद उसके जो की पॉइंट्स है वो देखेंगे उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो 96 में क्या है। आर्टिकल 96, द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, मतलब अंडर कंसिडरेशन, अंडर प्रोसेस में है, रिमूवल भी चल रहा है उनका। ठीक है, उनके लिए रेजोल्यूशन इज अंडर कंसिडरेशन। तो इसमें क्या बोला गया, एट एनी सीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा, किसी भी बैठक सेशन में, मतलब सीटिंग में जो हाउस ऑफ पीपल है लोकसभा के में, व्हाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, एंड फिर आगे क्या बोला गया, ये था स्पीकर, द स्पीकर और वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर, दोनों के लिए स्पीकर भी आ गए और इसमें डिप्टी स्पीकर भी आ गए, फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, द डिप्टी स्पीकर सेल नोट, डिप्टी स्पीकर सेल नोट दो इज दो ही इज प्रजेंट और प्रिसाइड। ठीक है, क्या बोला गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर अगर उनका रिमूवल का जो रेगुलेशन है वो अंडर कंसिडरेशन है, तो जो सीटिंग्स होंगी उसमें वो प्रेजेंट तो हो सकते हैं, प्रीसाइड नहीं कर सकेंगे, समझे। हाँ, उसको को प्रीसाइड नहीं करेंगे किसी भी सीटिंग में, लेकिन वो प्रेजेंट हो सकते हैं वहाँ पे। फिर क्या बोला गया, एंड द प्रोविजन ऑफ क्लोज टू ऑफ आर्टिकल 95 सेल अप्लाई इन रिलेशन टू ए सीटिंग फ्रॉम विच द स्पीकर और एज द केस में भी द डिप्टी स्पीकर इज एब्सेंट। ठीक है, एक ये बात बोलेगी, और उनको ऐसा समझा जाएगा कि वो हाउस में है लेकिन वो एब्सेंट है। ठीक है, डिप्टी और स्पीकर और स्पीकर। फिर आगे क्या बात बोली गई, समझा जाएगा कि वो एब्सेंट है लेकिन वो प्रेजेंट ही होते हैं वहाँ पे, लेकिन एज ए ड्यूटी पे वो एब्सेंट है। द स्पीकर सेल हैव द राइट टू स्पीक, स्पीकर को राइट है स्पीक कहाँ पे, इन एंड अदरवाइज टू टेक ए पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन इन द हाउस एंड सेल नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग इन आर्टिकल 100 बी एंटाइटल्ड द वोट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यहाँ पे ऐसा आएगा आई थिंक, इंस्टेंस ऑन सच रेजोल्यूशन और ऑन द एनी अदर मैटर ड्यूरिंग सच प्रोसीडिंग बट नॉट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट। क्या बोला गया, ये बोला गया जब स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आता है तो स्पीकर हाउस में प्रेजेंट रह सकते हैं, एक तो ये ऊपर वाली बात होगी, ठीक है मैं जो बोल रहा हूँ, रह सकते हैं, और जो डिप्टी स्पीकर और जो सभी मामले हैं या बहस करने का अधिकार होता है इनको, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, मेन तो बात यही बोली गई इसमें कि भाई वो प्रेजेंट तो रह सकते हैं लेकिन क्या वो वहाँ पे सभी मामलों में उनको बोलने या बहस करने का अधिकार होता है, बट वोट डालने का अधिकार इस स्थिति में होगा जब किसी वोटिंग, ये जो इक्वलिटी ऑफ वोट, किसी वोटिंग में इक्वलिटी की सिचुएशन ना हो तभी वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अब इक्वलिटी मतलब इक्वल वोट आ जाए तो भैया उनको वोट डालना पड़ेगा अपना एक साइड में, आई थिंक यही चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे गाइज़।